सब्सक्राइब करें जीबी शो चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द जीबी शो। यूट्यूब समाचार के एक फ्रेश और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर जो सबसे पहली खबर उठ के आ रही है वो ये है कि हो सकता है आने वाले समय में भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को मैंडेटरी कर दे कि हर फोन में, हर मोबाइल में, आजकल स्मार्टफोन का जमाना है, हर मोबाइल स्मार्टफोन आ रहा है, उसमें जीपीएस होना बहुत ज़रूरी है। इवन जो रिलायंस का फ़ोन निकला है उसमें भी हो सकता है कि जीपीएस इनबिल्ट करा दिया जाएगा, क्योंकि और उसमें यह भी कहा गया है कि एक पैनिक अटैक का बटन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बटन दबता है अचानक दो या तीन बार तो ऑटोमेटिकली उस जीपीएस उस लोकेशन को, जो भी सेव्ड जगह है, जो भी सेव्ड कॉन्टैक्ट है, वहां पर भेज दिया जाएगा ताकि पुलिस आराम से वहां तक पहुंच सके। बहुत ही अच्छा स्टेप है ये, बिल्कुल होना चाहिए। जो भी जितने भी फोन है सब में जीपीएस की फीचर होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट का आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियो ने इंटरनेट को इतना कॉमन बना दिया कि सबके पास इंटरनेट है। जीपीएस हर फोन में होना और पैनिक बटन हर फोन में होना हमारे देश को और ज्यादा सिक्योर बनाएगा, तो मैं इस चीज के बिल्कुल बिल्कुल साथ हूं। जो अगली खबर आ रही है वो ये है कि बहुत सारा यूथ, बहुत सारे यंगस्टर्स फेसबुक छोड़ के हट रहे हैं, फेसबुक यूज करना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ओल्ड लोगों ने, ग्रैंडफादर, मदर या फादर या ग्रैंड मदर, इन लोगों ने फेसबुक ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। यहां पर एक सर्वे से पता लगा है कि जितने यंगस्टर्स है, जितना यूथ है, वो पीछे हटने लग गया है, वो ज्यादा इंस्टाग्राम और जा रहा है स्नैपचैट की तरफ। स्नैपचैट तो एक अलग एंटिटी है, बट इंस्टाग्राम इज ऑल्सो ओन्ड बाई फेसबुक। जो इंस्टाग्राम है वो भी फेसबुक का एक पार्टनर है, तो यहां पर हमें देखना है फेसबुक आगे इस चीज को रोकने के लिए क्या कदम उठाता है क्या नहीं, क्योंकि फेसबुक निकला था यूथ के लिए, बट आज के जमाने में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल उसका हमारे मम्मी पापा और हमारे दादा दादी कर रहे हैं। जो अगली खबर आ रही है वो ये है कि Xiaomi यहां पर बन गया है इंडियन मोबाइल मार्केट का राजा और पीछे छोड़ दिया है Samsung को। 25% मार्केट शेयर आज की डेट में Xiaomi के पास है, और एक सर्वे से पता चला है 2016 में जितने मोबाइल खरीदे गए थे टोटल सारे ब्रांड्स के मिला के, उससे 14% ज्यादा मोबाइल खरीदे गए हैं 2017 में। यानी कि इंडियन मार्केट बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल खरीदे जा रहे हैं और यहां पर Xiaomi कर रहा है लीड। यानी कि अगर चार मोबाइल बिकते हैं तो उसमें से एक मोबाइल होता है Xiaomi का, बहुत ही अच्छी बात है। 3-4 साल पुरानी एक कंपनी आई और इतने बड़े Samsung को पीछे कर दिया उसने। बजट फोन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं, सस्ते में सबसे अच्छा फोन। तो यहां पर हमें देखना है Samsung इस चीज को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाता है क्या कदम नहीं उठाता है, बट आज की डेट में है Xiaomi नंबर वन। जो अगली खबर आ रही है वो है जियो फोन यूजर्स के लिए। यहां पर डेट यह है कि 14 फरवरी से आपको मिल जाएगा फेसबुक का एप्लीकेशन, जो उसमें OS है काया OS, जो कि एक वेब बेस्ड OS है। उसमें रिलायंस वालों ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि 14 फरवरी से आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसके थ्रू आप यूज कर सकते हैं फेसबुक। यानी कि अब आपको फेसबुक www.facebook.com डालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उस एप्लीकेशन पे जाएं और जियो फोन में फेसबुक का मजा ले सकते हैं। जो अगली खबर आ रही है वो है फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्लिपकार्ट ने चला रखी है एप्पल की सेल, जो कि चलेगी 15 तारीख तक। अगर आप कोई भी एप्पल का प्रोडक्ट खरीदते हैं अभी फ्लिपकार्ट से 15 तारीख तक, तो आपको मिल सकता है ₹10,000 का कैशबैक, बशर्ते आपके पास होना चाहिए ICICI का क्रेडिट कार्ड और आपको वो प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा EMI बेसिस पे, तो आप ₹10,000 उस पर कम करवा सकते हैं। ये जो स्कीम है आईफोन पे भी है, भले वो आईफोन SE हो, 6 हो, 6S हो, 7 हो, 7 प्लस हो, या हो 8, 8 प्लस, या हो X, ₹10,000 तक का कैशबैक मिलेगा। एप्पल के जो लैपटॉप्स हैं उस पे भी ये स्कीम चल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड है खरीदने में तो आप जाके विजिट कर सकते हैं flipkart.com। जो अगली खबर आ रही है वो है मोटोरोला की तरफ से। अगर आप मोटोरोला का फोन खरीदते हैं, मोटोरोला 5 या मोटोरोला 5 प्लस या मोटोरोला 5S या 5S प्लस Amazon से, तो आपको करीब करीब ₹6,000 का डिस्काउंट मिल सकता है किसी फोन में, ₹3,500 का डिस्काउंट। इसमें आप कर सकते हैं एक्सचेंज भी, पुराना फोन देके करीब ₹3,000 आप उसमें कम करवा सकते हैं। अगर है आप ये सारे फोन खरीदने में इंटरेस्टेड तो जाइए और देखिए amazon.com, वहां पर आपको मिल जाएगी ये ऑफर्स और आप कर सकते हैं इन्हें परचेज। तो दोस्तों यहां पर मैं करूंगा समाचार समाप्त। में आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समाचार के बारे में पता लगा सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।